नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम मौजूद हैं नालासोपारा ईस्ट के पंचम हाई स्कूल में। यहां आप देख सकते हैं कि एक जॉब फेयर आज जो है वो आयोजित किया गया है। ये जॉब फेयर जो है बहुजन विकास आघाड़ी के नेता और पूर्व महापौर रुपेश यादव और उनकी टीम के द्वारा ये आयोजित किया गया है। इस जॉब फेयर में सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर आज रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और इस उम्मीद में कि उनको कोई जॉब मिले यहाँ आए हुए हैं। अलग अलग कंपनी HR कंपनी जो है यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आई है और अपने आप में कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा और बहुत ही सुंदर जो एक सोच है उसका आज इम्प्लीमेंट यहाँ हुआ है। कहते हैं कि किसी को आपको कुछ देना है तो सबसे बड़ा दान रक्तदान होता है, लेकिन उसके बाद में दूसरा दान अगर कोई माना जाए तो वो है कि किसी को आप काम दीजिए। काम दोगे तो उसका परिवार जो है पूरा पलेगा। तो ये आज काम देने का, रोजगार देने का यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। इस सोच को वाकई सलाम कहना चाहिए और इसी तरह सिर्फ यही नहीं, बाकी लोगों को भी इस तरह की सोच रखकर ऐसा लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए। नालासोपारा से यूसुफ अली। सर, आज के इस रोजगार मेला के विषय में क्या कहना है? देखिए, मैं जैसे वहाँ पे बताया कि जो रोजगार मेला हुआ है, उस रोजगार मेला में जो जॉब मिलने वाले हैं वो मैक्सिमम जो है सर्विस इंडस्ट्री के जॉब है और ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्होंने अच्छा काम करना चाहिए। जो कंपनी के लिए हम लोग जॉब करते हैं, कंपनी के प्रति एक प्यार रखना चाहिए और अच्छा जॉब करना चाहिए और कंपनी ने भी इनको अच्छी रोजगार देनी चाहिए, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये बच्चों ने खाली जॉब ही नहीं करना चाहिए, आने वाले 20 साल के बाद में खुद का भी बिजनेस करना चाहिए और लोगों को जॉब देना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जॉब देने वाले लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ पे रुपेश यादव और उनके साथ ही सब, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ये जमाने में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है उस वक्त ऐसा एक काम करना ये बहुत सही मायने में बहुत अच्छी बात है। ना, आप आपके मित्र की जो चाइनीज वाइफ है उनके बारे में आप कुछ जिक्र कर रहे थे, क्या वो? देखिए, ये ऐसा कहा जाता है चाइना में कि कोई सोशल वर्क जो है, सोशल वर्क स्कूल बनाना है, सोशल वर्क है हॉस्पिटल बनाना, सोशल वर्क है अलग अलग सोशल वर्क है, मगर सही सोशल वर्क ये है कि हाथ को काम देना, मतलब रोजगार देना, ये सबसे अच्छा सोशल वर्क है। क्योंकि एक आदमी को अगर रोजगार मिलता है तो उसके घर में 4-5 लोगों को परवरिश होती है, उनका एजुकेशन उनका होता है, उनके हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये सबसे अच्छा जो वर्क है सोशल वर्क है, ये रोजगार देना है। तो व्यापारी जो है ये बड़े सोशल वर्क है, ऐसा मैं हमेशा करता हूँ। थैंक यू मैम। प्रोफेसर, आज क्या कार्यक्रम है उसकी जानकारी दीजिए और सोच कहाँ से आई? हमारे जो युवा आमदार आदरणीय सतीश ठाकुर साहब है, उनके मार्गदर्शन से बहुजन विकास आघाड़ी और तटस्थ ग्रुप की तरफ से हम लोग ये भव्य नौकरी मेला यहाँ पे आयोजन किया है। ये एक दिन का ही था मगर मेरे ख्याल से 3600 रजिस्ट्रेशन हो गए। इसके लिए हम लोगों ने 16 और 17 ये दो दिन रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने एक तो 600 लोगों को हम लोगों ने 16 तारीख को सुबह बुलाया, 600 से 1200 लोगों को वो दोपहर को आएगा और दूसरे दिन भी सेम रखा है। यहाँ पे 35 से 40 कंपनी आई हैं, इसमें वर्क फ्रॉम होम है, बैंकिंग है, इसमें हॉस्पिटल वाले हैं, बिल्डर है, ऐसे मेरे ख्याल से 50 काउंटर हम लोगों ने ऊपर लगाए, 40 रूम लिए हैं हम लोगों ने और वो माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ते और उनके जो टीम है वो उनको मार्गदर्शन कर रही है। सर, यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए जॉब का चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग उनके लिए भी कोई जॉब का है? हाँ, उनके लिए भी हम लोगों ने 11 इंडस्ट्रियल वाले को बुलाया है, इंडस्ट्रियल में भी जॉब है। तो जिसको जो कैपेबल है, मतलब जो 10वीं तक है उनको वो हिसाब से वो लोग इंटरव्यू देंगे और 12वीं से 15वीं तक जो है वो उनको अलग डिपार्टमेंट रखा है। तो सबके लिए हम लोगों ने सोचा है। क्या आह्वान करना चाहेंगे इन कैंडिडेट को और आम जनता को? मैं इतना ही कहता हूँ कि अगर एक भी बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट होता है तो उसके घर के 4-5 फैमिली को वो सक्षम कर सकता है। अगर यहाँ पे वो लोग बोले हम लोगों का 1000 से ऊपर हम लोग जॉब देने का कोशिश करेंगे, मैं तो बोलता है 1000 नहीं, इसमें 500 भी लोगों को अगर नौकरी लगी तो ये कैंप सक्सेसफुल हो गया ऐसा हमें लगेगा। भविष्य में भी इस तरह के कैंप हम ये अगर सक्सेसफुल होएगा
तो ग्रामीण में भी रखने वाले, वसे में भी, विरार में भी हम लोग रखने वाले। बहुत से हमारे कॉरपोरेटर का फ़ोन आया है कि आपने यहाँ पे कैंप का आयोजन करो, मगर यहाँ पे अगर अच्छा होएगा तो इधर भी करेंगे। हमारे युवा आमदार सिद्धेश ठाकुर साहब है, उन्होंने भी कल अलाउंस किया है कि वहाँ पे भी 1500 लोगों को नौकरी लगेगी, तो हमारी पूरी टीम उसके पीछे है सब। थैंक यू। बहुजन विकास आघाड़ी तथा सुगुरु पुरस्कृत पालघर जिले के युवा नेता हम वसे विरार नालासोपारा के आमदार क्षितिज जी ठाकुर, इनके मार्गदर्शन से हमारे बहु लोकप्रिय यहाँ के प्रेरणा स्थान हमारे माजी महापौर रूपेश जाधव, इनके मार्ग आयोजित हमने किया, इनके मार्गदर्शन आयोजित हमने किया। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन? 4,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे 100+ कंपनियाँ है, वर्क फ्रॉम होम है, डॉक्टर से टीचर रिक्वायर्ड है, हर लोगों को जॉब देने का प्रयास चल। मुझे ये कार्यक्रम करके बहुत अच्छा महसूस, क्योंकि हर लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके लिए अच्छा महसूस। सर आपका नाम? अक्षय। सर आज इस रोजगार मेला में आप HR विभाग संभाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे कौन कौन सी कंपनी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन सी कंपनियों में जॉब ऑफर है लोगों को, और कितने लोग जो है इस जॉब प्रोफाइल का बेनिफिट उठा सकते हैं, और आपके द्वारा या आपके थ्रू कितने लोगों को इसका फायदा हो सकता है? मेरा नाम अक्षय है, मैं अक्षय फाउंडेशन बेसिकली आज रोजगार मेला है, जिसमें हमने 35 कंपनीज को हमने बुलाया है, जिसमें कुछ स्टाफिंग कंपनियां हैं, कुछ डायरेक्ट कंपनियां भी, जिसमें मैक्सिमम लोगों को हम लोग जॉब दे सके, इसका हमारा हमेशा कोशिश रहेगा। नॉर्मली क्या होता है HR को उसके ऊपर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी जैसे पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, भारत पे है, ICICI बैंक है, कोटक है, उसके बाद में हमने रिलायंस है, उसके लिए जितने हाउसकीपिंग की कंपनी है, सिक्योरिटी की कंपनी है, IT सेक्टर है, उसके साथ हमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे स्किल्ड होते हैं, बहुत सारे अनस्किल्ड होते हैं। अनस्किल्ड स्टूडेंट अगर कोई भी जॉब लेता है वो ज्यादा टाइम में टिकता नहीं, तो हमने NIIT के साथ NIIT को भी हमने बुलाया हुआ है, जो बच्चों को ट्रेन करके उनको प्लेस करके बेसिकली इसको 6 वर्टिकल्स होते हैं, BFSI है, लॉजिस्टिक्स है, डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, एंड हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स है। इन वर्टिकल्स में उनको 1 महीने या 2 महीने का ट्रेन करके जो ट्रेनिंग का फीस बाहर मार्केट में 15,000 20,000 25,000 होता है, वही ट्रेनिंग हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देकर उनको ट्रेन करके सर्टिफाइड करके हम लोग प्लेस करेंगे। तो ये पूरे चीज़ का आयोजन हमने आज किया है, तो मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेस हो, इसका जो हमने ऑर्गेनाइज किया है उससे उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिले, हमें हमेशा हमारी आशा। ये तो सर वही बात आपने जो बताया अभी, जिस हिसाब से कि जो लोग एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयमेंट है उनको आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन ऐसे जो लोग हैं कि जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सी कंपनीज ऐसी है कि जहाँ जॉब का, तो ऐसा क्या भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम भी हो सकता है? बेसिकली मैं आपको बता दूँ, हमारे पास एक जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेस्ट ग्रुप करके कंपनी आया हमारे पास, रिलायंस है, उसमें क्या होता है बेसिकली जो नॉट अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनके लिए हाउसकीपिंग का जॉब्स है, मतलब कुछ कंपनी जिनको हाउसकीपिंग के लिए लगता है, कुछ कंपनी जिसमें उनको बाइकर्स चाहिए, कुछ कंपनी उसमें उनको ड्राइवर्स चाहिए, या कुछ कंपनी उनको सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए। उसमें क्या मोस्टली एजुकेशन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता नहीं, 10th pass 10th fail हो, 12th fail हो वो भी उनको चल जाता है, या कुछ कंपनियाँ ऐसी भी जो 12th pass वालों को भी जॉब पे लेती है या 10th fail वालों को भी जॉब पे लेती है, सो उनको भी ध्यान में रख के हमने 3-4 कंपनियाँ ऐसी बुलाई है कि उनको भी उसका फायदा हो। तो मैं कुल मिला के कहना चाहिए कि आज यहाँ आने वाले लोगों को काफी फायदा होने वाला है। डेफिनेटली होगा सर। आप अपनी तरफ से लोगों को कोई आह्वान करने वाले कि किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस तरह से लोगों को अवेयर करना चाहिए? मैं तो लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जॉब फेयर है, डेफिनेटली है, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, आप यहाँ पे इंटरव्यू दोगे, कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, कुछ लोग रिजेक्ट होंगे, जो सिलेक्ट हो जाएंगे डेफिनेटली उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग रिजेक्ट हो जाएंगे कभी जिंदगी में आशा मत छोड़ना, क्योंकि क्या होता है HR इंटरव्यू लगा डेफिनेटली, अगर मेरे पास 100 जगह पे रिक्वायरमेंट है तो अभी 2000 का रजिस्ट्रेशन होगा, बट कंपनी में जब 100 लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, ये गवर्नमेंट जॉब में भी देखो 50 का रिक्वायरमेंट होता है, 5 लाख फॉर्म भरते हैं, तो सिलेक्ट 50 ही होते हैं, बट जो सिलेक्ट नहीं होते उन्होंने कभी आशा नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नौकरी तो है, डेफिनेटली नौकरी करना ही चाहिए, बट नौकरी के साथ जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले ही बताया कि जिंदगी में हमको भी कुछ तो करना चाहिए। नौकरी तो हमको 9 से 6 नौकरी होते हैं, उसके बाद में तुम घर पे जाओगे, खाना खाओगे, सोओगे, वही दिन अगर हम लोग 60 साल तक करेंगे, 50 साल तक करेंगे, तो हमने जिंदगी में क्या किया?
हम क्या जिंदगी एक कंपनी के लिए काम करने के लिए, 10 कंपनी के लिए काम करने के लिए जीते हैं? हमें कुछ करना है। एपीजे अब्दुल कलाम है, यशवंतराव चव्हाण है, कितने सारे बड़े हस्ते इस महाराष्ट्र ने दिए। वैसे हमको कुछ तो बड़ा गोल लेके जिंदगी जीना चाहिए, बड़ा कुछ हमें सोचना चाहिए, बड़ा कुछ करना चाहिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग नौकरी से सीख के हम खुद का कुछ स्टार्टअप कर सके, खुद का कुछ बिजनेस कर सके, या कुछ देश के लिए ऐसा कुछ कर सके जिसमें लोगों ने हमारे नाम से हमको पहचानना चाहिए कि ये है ना। तो इसलिए हमें मुझे खुशी होनी चाहिए रात को सोने के टाइम कि मैंने आज कुछ तो किया। ऐसा कुछ तो करके जिंदगी जीने में जो मजा है वो वही कदम वही अच्छा मजा है। बाकी जितने भी लोग आए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा और यही मेरे तरफ से उनको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपका नाम? सर मेरा नाम डॉक्टर जगदीश भवानी हूँ। मैं एजिया हॉस्पिटल से रिटायर हुआ। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूरोलॉजी था, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल मुंबई में था। अब मैं यहाँ पे नाला सोरकपारा में यूनिवर्सल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आचोले रोड सारी कंपाउंड में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। करीबन 8 दिन लगेगा, उसके बाद वो हॉस्पिटल गरीबों के लिए हमने निकाला है। सारी गवर्नमेंट की योजनाएं, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और सारे गरीबों की सेवा के लिए हम इधर आए हुए हैं। और सारे स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रहेगी 50 बेड। आज जॉब फेयर में आपका क्या रोल है? यहाँ पे जॉब के लिए हम आए हैं क्या? यहाँ पे योग्य हमको कैंडिडेट मिले और फार्मेसी हमारे पास है, वहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पर लेबोरेटरी है, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है, ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयू है, रिसेप्शन है, कंसल्टिंग रूम, ओपीडी, आईपीडी सारे सुविधा उपलब्ध है। उसके लायक कोई योग्य हमको कैंडिडेट मिलते हैं तो हम उनको जॉब के लिए आमंत्रित करेंगे। सर आपकी जो कैटेगरी है इसमें कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, क्या प्रोसीजर, आपके पास कितनी सीटें हैं? हमारे लिए 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। इनके सारे लोगों के हम इंटरव्यू लेंगे, जो भी हमारे लिए उचित लगेंगे उनको हम जॉब के लिए आमंत्रित करेंगे। थैंक यू सर। आपका नाम? दीप गोमतांडे। आप जॉब के लिए आए, क्या आपकी उम्मीद है, क्या आप सोचते हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन? मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगा कि मुझे अच्छे से अच्छा जॉब मिले। और मैंने अभी ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं करंटली MBA परस्यू कर रहा हूँ। आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। आपका नाम? पूजा जाधव। आज जॉब के लिए आए, आपकी क्या उम्मीद है, क्या आपके थॉट्स हैं? मुझे जॉब चाहिए इसलिए मैं इधर आई हूँ। मुझे लग रहा है मुझे इधर जॉब मिलेगा, अभी देखेंगे क्या होगा। इस कार्यक्रम को कैसा मानते हो? इनकरेज मिल रहा है मुझे इधर आके। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।